इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास टेंडा का कोई सा भी राउटर है, ये वाला या फिर कोई दूसरा टेंडा का राउटर है, वो वर्क नहीं कर रहा है या फिर उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करें, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखते रहिए। तो अगर आपके टेंडा के किसी भी वाईफाई राउटर में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है। पहले आप एक बार वो चेक कर लें। अगर आपका रिचार्ज नहीं ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको इसे सही करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर कर लें, आप 4 से 5 घंटा वेट कर लें। मैं इसलिए ये करने बोल रहा हूँ, कभी कभी होता क्या है, जो भी जहाँ पर भी सर्वर्स होते हैं या फिर फाइबर के वायर होते हैं, आपके वाईफाई जहाँ से आता है कनेक्ट होके, वो कभी कभी टूट जाते हैं, कट जाते हैं, तो मेंटेनेंस की टीम उसे रिपेयर करती है, उसमें 4-5 घंटे चले जाते हैं, इसकी वजह से इंटरनेट आपको नहीं आता है, यहाँ तक इंटरनेट नहीं पहुँच पाता है। तो अगर आपने बहुत देर वेट कर ली है फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो यहाँ पर आप क्या करें, आपको यहाँ पर बैक साइड देखना है, आपको एक बटन मिलेगा, यहाँ पर एक रीसेट का बटन मिलेगा। बहुत से टेंडा के राउटर में ये बटन नहीं होता है, इसके जगह पर एक गड्ढा होता है, होल होता है। होल होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सुई ले लेनी है, ठीक है, ये सुई ले लेनी है आपको, और इसके यहाँ पर जो होल होगा उसे दबाना है 5 से 10 सेकंड तक। तो मेरे में होल नहीं है, बटन है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस बटन को 5 से 10 सेकंड तक प्रेस करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए लाइट यहाँ पर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप छोड़ दें इसे, और यहाँ पर ये रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट होने के बाद देखिए बहुत से लोगों का तो यहाँ पर ये चालू हो जाएगा, बट कुछ लोगों का राउटर वाईफाई चालू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी रीसेट होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन आईडी हट जाती है। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी वाईफाई वाला है उसको एक बार कॉल करके पूछिए, मेरी कॉन्फ़िगरेशन आईडी बता दें। इसके बाद आप यूट्यूब पे जाइए, लिखिए हाउ टू कॉन्फ़िगर वाईफाई राउटर, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपको कैसे वहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी।